नमस्कार दोस्तों दोस्तों होंडा की गाड़ी है और जब ये गाड़ी चलती है तो गाड़ी डगमगाने लगती है। तो आप देख सकते हैं, इस गैप पर ध्यान दीजिए। जब हम इसके चक्के को हिलाते हैं तो ये गैप छोटा बड़ा होता है। तो अगर गैप छोटा बड़ा होए तो समझ लीजिए इस चक्के के अंदर जो दो बेयरिंग होती है वो बेयरिंग ख़राब हो चुकी है। और बेयरिंग ख़राब होने के कारण जब हम गाड़ी को चलाते हैं तो गाड़ी कुछ डगमगाने लगती है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम इस चक्के के दोनों बेयरिंग को बदलेंगे। और ये टायर भी बहुत पुराना हो चुका है, इस टायर को भी हम बदलेंगे। तो दोस्तों इस काम को आप घर में भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इस चक्के के दोनों बेयरिंग को बदलकर आपको दिखलाते हैं। तो सबसे पहले हमें ब्रेक वायर को खोलना पड़ेगा। तो पिंचिस की मदद से हम इसे खोल देंगे। इसके बाद दोस्तों हम 19 नंबर का पाना लेंगे और चक्के के शॉफ्ट को खोलेंगे। तो नट निकल चुका है। अब दोस्तों हम इस चक्के को बाइक से बाहर निकालेंगे, लेकिन उसके पहले हमें एक पानी का बाल्टी लेना पड़ेगा। और बाइक के ऊपर इस तरह से रख देंगे हम। तो जब रख देंगे तो देखिएगा ये चक्का जमीन से उड़ जाएगा। और उसके बाद हम इस शॉक को जरा से ठोकेंगे। तो थोड़ा इधर से जब निकल जाएगा तो हम इस शॉक को पूरा निकाल देंगे। तो देखिए दोस्तों सामने का चक्का निकल चुका है। इसके बाद इस बूस को निकालेंगे। तो दोस्तों हमने चक्के को निकाल दिया है। अब चलिए इसके अंदर जो बेयरिंग होती है उसे हम निकालते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, इस तरफ एक बेयरिंग है और इसके दूसरे साइड में एक बेयरिंग। तो हम इन दोनों बेयरिंग को निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर वाले कैप को निकालेंगे। ये रहा कैप। और उसके बाद दोस्तों एक स्क्रू ड्राइवर लेंगे या फिर एक पतली सी छेनी, हम इस तरह से ऐसे रख कर जब हल्का हल्का सा हम ठोकेंगे तो देखिएगा नीचे का बेयरिंग निकल जाएगा।
देख सकते दोस्तों, इसकी बैरिंग की बहुत हालत ख़राब हो चुकी थी, चूँकि सही तरीके से निकला नहीं, ये बैरिंग टूट कर निकला, देख सकते हैं। और इसका भाग फंसा हुआ है इसके अंदर, इसे भी हम निकालेंगे। कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो दोस्तों, जब उस तरफ की बैरिंग निकल जाए तो हम इस तरह से पलटा देंगे। अब हम उस तरफ की बैरिंग निकालेंगे, तो इसके लिए थोड़ा ऊंचा करना पड़ेगा हमें। उसके बाद हम एक लकड़ी को इसके नीचे लगा दिए हैं, तो देखिएगा इस तरफ से ये निकल चुका है और ये भी टूट कर निकला है, देख सकते हैं इतना टाइट है। तो अब इसके अंदर जो फंसे हुए भाग है हम उसे निकालेंगे। तो देखिए ये भाग निकल चुका है जो टूट चुका था, इसका बेरिंग का कुछ भाग। तो इसी तरह से हम इस तरफ का भी निकाल देते हैं। अब दोस्तों, हम इसके दोनों साइड को मिट्टी के तेल से अच्छी तरह से साफ करेंगे, उसके बाद हम इसमें नया बेरिंग को लगाएंगे। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप, हमने अच्छी तरह से मिट्टी के तेल से दोनों तरफ साफ कर दिया। अब चलिए हम इस पर बेरिंग लगाते हैं। तो ये रही बेरिंग, है कंपनी का, किसी भी कंपनी का लगा सकते हैं आप आपकी इच्छा अनुसार। इसमें दो बेरिंग रहती है, क्योंकि एक ही नंबर का होता है। चलिए इसे खोलते हैं और आपको बेरिंग नंबर भी बतलाते हैं। तो हमने दोनों बेरिंग को खोल दिया और आप देख सकते हैं इसका नंबर। ध्यान दीजिए, तो देख सकते हैं आप इसका नंबर बहुत छोटे अक्षर में लिखा गया है, 6301, और दोनों बेरिंग है 6301 का। तो कंपनी से इस तरह आता है, इसमें ग्रीस नहीं रहती है, हमें अलग से इसमें ग्रीसिंग करना पड़ेगा। तो ग्रीस का डब्बा है मेरे पास और इसमें ग्रीस है। और इसमें थोड़ा थोड़ा ग्रीस करेंगे हम, थोड़ा थोड़ा ग्रीस डालेंगे, क्योंकि कंपनी वाले ग्रीस लगा के नहीं देते हैं। और दोस्तों, इसकी कीमत मैं बता देता आपको, इन दोनों बेरिंग की कीमत इस डब्बे में देखिए, इसकी कीमत लिखी है 239 रुपये, लेकिन हमें मिला है 140 रुपये में। तो हमने इसमें ग्रीस अच्छी तरह से लगा दिया है, इसी तरह से हमने दोनों
बेरिंग को ग्रीस करना है, ग्रीस लगाना है दोनों बेरिंग को। तो दोस्तों हमने दोनों बेरिंग में ग्रीस कर दिया है, अब चलिए एक एक करके हम लगाते हैं। सबसे पहले हम एक बेरिंग को लेंगे और ये जो खुला वाला भाग है, एक तरफ पैकिंग रहता है और एक तरफ खुला रहता है, ये खुला वाला भाग इस तरह रख कर अंदर की तरफ रखेंगे, अंदर की तरफ। और उसके बाद हम हथौड़ी लेकर हल्का हल्का सा ठोकेंगे। चारों तरफ से इस तरह से घुमा घुमा के मारेंगे तो देखिए ये अपनी जगह में जाकर बैठ गया है, देख सकते हैं आप। इसके बाद दोस्तों हम चक्के को पलटाएंगे और दूसरी तरफ के बेरिंग को लगाएंगे। तो उसके पहले हमें इस बूस को डालना पड़ेगा और उसके बाद हम बेरिंग को लेंगे और ये जो खुला भाग है जहां पे हमने ग्रीस लगाया है ये अंदर की तरफ रहेगा। तो हल्का हल्का सा ठोकेंगे हम, चारों तरफ घुमा घुमा के। इसको और थोड़ा अंदर करेंगे और छेनी लेंगे और छेनी की मदद से चारों तरफ घुमा घुमा के हम इसकी जगह पर ले जाकर इसे रखेंगे। तो देखिए ये अंदर जा चुका है। इसके बाद कैप को लेंगे और कैप को इस तरह से रखकर हम थोड़ी देखिए तो ये अंदर चला जाएगा। तो दोस्तों चक्के में बेरिंग लगाने का काम पूरा हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से आप भी अपने घर में अगर आपकी गाड़ी डगमगाती है और उसका बेरिंग खराब है तो इस तरह से काम करके अपने बाइक के चक्के के बेरिंग को बदल सकते हैं। दोस्तों इसके बाद हम इस चक्के में नया टायर लगाएंगे और फिटिंग कर देंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर से ज़रूर दबा दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।